है ना दोस्तों, नमस्कार। मैं राज सिंह आप सभी भाइयों का रस प्रतिनिधि यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए, बहुत सारे भाइयों के कॉल आते हैं, भैया वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो देखिए, जब मेरे पास कुछ प्लांट होता है जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, नहीं तो मैं रोज वीडियो ना, तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वीडियो बनाता रहूँ डेली, क्योंकि काम भी करना होता है, मार्केट भी देखनी होती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूँ। तो अभी देखिए, मेरे पास एक ट्राइंस का प्लांट है, ये जा रहा है बिहार जाएगा ये सिवान में। तो इस प्लांट को मैंने पूरा रेडी किया है यहाँ पर, और ये चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ये डिस्पैच अभी हो। देखिए, जो मार्केट में मशीनें ओल्ड प्लांट मिल रहे हैं, ओल्ड मशीनें मिल रही हैं, उनमें बहुत सारा सामान नहीं होता है। पैकिंग मशीन में ये सामान तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर जैसी मशीन आती है, अगर वैसी मशीन लेके जाएंगे तो आपको 1,00,000 रुपये की लगभग मशीन मिल जाएगी। लेकिन 1,00,000 रुपये की मशीन का ले जाने का आपको कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसमें अनवाइंडिंग ट्रांसमीटर सारी चीज ना लगाए। जब ये मशीन कंप्लीट होगी तभी आपको ये प्रोडक्ट मिल पाएगी, नहीं तो आप भी इससे परेशान रहेंगे। तो अभी देखिए, मैंने ये पूरी कंप्लीट कर दी है। इसके साथ में एक ये ऑयल ड्रायर है, ये देखिए। तो देखिए, जो भी मार्केट से मशीनें मिलती हैं, पुरानी मशीनें जो होती हैं, उन मशीनों में थोड़ा बहुत, जैसे कि पैकिंग मशीन में आपको कंप्लीट पैकिंग मशीन नहीं मिलेगी। उसमें वाइब्रेटर सेट हो गया, अनवाइंडिंग सेट हो गया, होल्डिंग मशीन हो गया, ये तीन चीज तो आपको लगवानी ही पड़ेगी, तभी जाके मशीन कंप्लीट होगी, तभी जाके आपकी मशीन पूरी तरीके से ये वर्क कर पाएगी। अब आपने मशीन ले ली, ओल्ड भी ले ली या न्यू ले ली, और वो प्रॉपर असेंबल नहीं है, प्रॉपर उसके अंदर सामान नहीं है, तो वो मशीन चलेगी ही नहीं, चाहे आप कितनी भी महंगी ले लीजिए या कितनी भी सस्ती ले लीजिए। तो मशीन का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस मशीन में अभी हमने ये मशीन कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो इसमें ये अनवाइंडिंग का पूरा सेट है, ठीक है, और ये रिबन वाली कोडिंग मशीन है, थोड़ा पास से दिखाओ, ये देखिए रिबन वाली कोडिंग मशीन है, और इधर दिखाइए, इधर ये वाइब्रेटर का सेट है, ये पूरा वाइब्रेटर का सेट है, ये हमने लगाया है। तो जब तक मशीन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, मशीन मशीन की तरह नहीं चल पाएगी, आप डेली परेशान होंगे, डेली ऑपरेटर को ढूंढेंगे, डेली आप कंपनी वाले को फ़ोन करेंगे। तो कहीं से भी मशीन लीजिए, आप सबसे पहले पैकिंग मशीन अगर आपकी सही है तो पूरा प्लांट ठीक है आपका। मान लीजिए आपने क्वालिटी मिला ली, मसाला अच्छा मिला दिया और रैपर बढ़िया छपा लिया आपने, सारा मटेरियल आपने सही बनाया, मसाला से लेके पैकिंग तक आपने, लेकिन मशीन में जब पैक होगा आपका प्रॉपर पाउच नहीं बनेगा, प्रॉपर लड़ी नहीं बनेगी, ठीक है, और एक मशीन पर आपके अगर 2-3 बंदे लगेंगे तो फिर मशीन का कोई फायदा नहीं है। मशीन का फायदा जब ही है आपको जब मशीन मशीन के हिसाब से चले आपकी। मान लीजिए आपने रोल लगा दिया, रोल लगाने के बाद में आप एक लड़का बिठा दीजिए लड़ी हटाता रहे, वॉपर में माल डाल दिया, कम से कम इतना तो समय आपको मिलना चाहिए कि 15-20 मिनट तक मशीन में माल नहीं डालना पड़े। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से मशीन में काम होना चाहिए। अभी मैं आपको इस मशीन को चला के दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चलेगी। बाकी इस प्लांट में, और देखिए ये नाइट्रोजन प्लांट है, ये भी ओल्ड प्लांट है, ठीक है, और ये पैकिंग मशीन होगी, ये है ऑयल ड्रायर, ये ऑयल ड्रायर है, और ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर तो नया है, ये कढ़ाई और भट्टी, जो ये क्या है, ये हमने जो फ्रायर जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्रायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्रायर आप जब ही लीजिए जब आपके पास में कम से कम 20 किलो वाट हो का लोड हो, क्योंकि अगर 20 किलो वाट नहीं होगा तो कम से कम 12 किलो वाट 18 किलो वाट फ्रायर जो होता है इलेक्ट्रिक वाला, उसका लोड होता है। इससे अच्छा ये है, अगर आपके पास में लाइट इतनी नहीं है तो इस तरीके का एक फ्रायर बनाइए, काम ये भी वही करेगा, कम से कम 1 घंटे में
ये कम से कम 300-400 किलो माल आराम से निकाल देगा, क्योंकि ये कढ़ाई जो है इसके अंदर कम से कम आपका 60 लीटर ऑयल तो आराम से आएगा, और 60 लीटर आने के बाद में आप इसमें कम से कम 1 से 1.5 किलो जो फ्रेंच का आइटम होता है उसको आराम से इसमें एक बार में निकाल सकते हैं। तो आप जितना जल्दी डालेंगे उतना जल्दी निकालेंगे, वो आपके ऊपर है कि आपका जो बर्गर है वो कितना जल्दी आपको फ्राई करके देता है। अभी हम पहले यहाँ पर इसको चला के देखते हैं कि ये मशीन वगैरह कैसी चल रही है। ये देखिए ऑटोमेटिक लड़ी कट जा रही है इसकी, और सबसे मेन चीज क्या है ये देखिए, चलिए आप रिबन वाली कोडिंग मशीन का किस तरीके से ये काम करता है ये देखिए। इस तरीके से ऑटोमेटिक मोहर लगेगी, और ये देखिए ये आ रहा है मई 2024, 20 ग्राम कंप्रेसर ऑटोमेटिक चालू हो गया है। ठीक है, ये देखिए रैपर उतना ही खुलेगा जितनी हमें ज़रूरत है। अभी मशीन के पास में मशीन ऑटोमेटिक चल रही है, देखिए अभी मशीन को ना किसी ने पकड़ रखा है ना किसी ने कुछ कर रखा है, ऑटोमेटिक चलेगा ये। कैमरा एकदम बिल्कुल सेट चल रहा है, एक बार और देख लीजिए, ये है प्रिंटर। अभी देखिए इसमें क्या है, अभी पहले तो आप पाउच देख लीजिए, ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास। अगर अभी हमारा ये 6 पीस की लड़ी है, इसको हमें 10 करना है, तो हम क्या करेंगे 10 का इसमें सेट कर देता हूँ। अब ये देखिए 10 की 30 की कटेगी लड़ी, यानी कि जितने पाउच की लड़ी आपको चाहिए ऑटोमेटिक कट जाएगी इससे। ये देखिए तो ये देखिए ये है, अभी इसमें माल वगैरह कुछ भी पड़ा नहीं है, लेकिन मशीन की पाउच की क्वालिटी देखिए बिल्कुल एकदम फ्रेश। ठीक है, आप इसमें लड़ी जितने की चाहो उतना की ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो। ठीक है, और जितना चाहें 20 ग्राम 15 ग्राम 12 ग्राम तक उसमें ऑटोमेटिक आप माल भी सेट कर सकते हो। तो जिस भाई को भी ओल्ड प्लांट या न्यू प्लांट चाहिए तो हमसे आके संपर्क कर सकता है, और हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो देखते रहिए आर एस मंत्री यूट्यूब चैनल, ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा। नमस्कार।